हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ये जो हम साइड स्लिट बनाते हैं उसके लिए एक वीडियो जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। और फ्रेंड्स देखिए, ये मेरी कुर्ती है ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए, इसका जो नेक है, नेक भी बन चुका है मेरा, और इसकी स्लीव्स हैं जो वो भी रेडी हो गई हैं। और ये हम देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम स्लीव्स ये बनाते हैं, ये जब हम सिलाई करते हैं तो क्या होता है, कई बार यहाँ से हमारे जो ये चाक होते हैं, यहाँ से हमारा जो कुर्ता है या फिर कुर्ती है जो ख़राब हो जाती है, फट जाती है जब हम कभी इसको पहनते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं होता कि हम इसको कैसे ठीक करें, क्योंकि यहाँ से ये कपड़ा है जो फट जाता है, तो ना तो इसके अंदर मार्जिन के लिए कपड़ा होता है कि हम इसको ऐड कर सके कोई फैब्रिक और इसको सही कर सके। हमारी कुर्ती है जो बिल्कुल बेकार हो जाती है। इसके लिए मैं आपके लिए एक आइडिया लेकर आई हूँ, जो कि आप इसकी सिलाई अगर इस तरह करते हैं तो आपकी जो कुर्ती है जो बिल्कुल नहीं फटेगी। और ये जो आइडिया है, टेलर अक्सर अपनी सिलाई में इसको यूज़ करते हैं और बहुत ही आसान है। आप इस तरह देखेंगे तो ज़रूर आपको भी आसान लगेगा, आप भी अपनी कुर्ती में इस तरह अपने इसको पक्की सिलाई कर सकते हैं और अपनी कुर्ती या फिर सूट बना सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, जैसे कि अपनी कुर्ती का जो ये हमें जो ऑपोजिट साइड है इस तरह लेना है, जहाँ से हमारे चाक फोल्ड होंगे। इसके लिए हमें यहाँ से क्या करना है, एक निशान लगा लेना है, जाके हमें दोनों तरफ ही जो हम लगाएंगे पट्टी यहाँ पे बराबर तरह से लगा सकें। इसके लिए देखिए, एक ये जो मैंने पट्टी ली है छोटी, जैसे हम हेल्पर वगैरह लगाते हैं उस तरह, एक इसको एक सिलाई कर ली है। सिलाई करने के बाद अब हम इसको यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो उसके लिए आप देखिए कैसे स्टिच करेंगे, इसमें से आपको ऐसे बराबर करते हुए एक निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद आपको इसके यहाँ पे सेंटर में रखना है। सेंटर में रखने के बाद इसकी जो सिलाई लगानी है, देखिए कैसे लगानी है, ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए इस फैब्रिक से लेके यहाँ तक, इसको बराबर रखना है। और हम इसकी सिलाई लगाएंगे, वो देखिए कैसे लगानी है। देखिए, इसकी सिलाई करने के लिए देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एकदम फैब्रिक को अपने पहले कर लेंगे, इस तरह सीधा कर लेंगे, सिंगल लेयर में लेंगे इस फैब्रिक को, अपनी कुर्ती को। और हमने निशान जो लगाया है उसके ऊपर उसका सेंटर आ जाएगा, और इस तरह से इसको यहाँ रखेंगे और हम अपनी मशीन को यहाँ सेट करेंगे, देखिए इस तरह। और यहाँ से हम सिलाई करते हुए अंदर को आएंगे, देखिए यहाँ पे। उसके बाद वहाँ से हम अपने इस मशीन को टर्न कर देंगे, और उसके बाद हम अब इस सिलाई को लेकर बिल्कुल बाहर आएंगे, एंड तक कर देंगे, देखिए इस तरह। तो ये एक साइड की जो सिलाई है हो चुकी है, देखिए इस तरह हम इसको यहाँ पे सिल देंगे। और ये जो हमारी सिलाई है इस तरह से दिखेगी इधर, और फ्रंट साइड में देखिए ये बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा। और इसी तरह हम ये दूसरी तरफ भी ऐसे सिल लेंगे। देखिए, ये मैंने दूसरी तरफ भी सिल लिया, तो देखिए इस तरह से आपको दिखाई देगा। और अब हम अपने जो चाक है, जब रेडी करेंगे अपने चाक तो इस तरह कर लेंगे, इस तरह यहाँ से पूरी फिनिशिंग के साथ ये आपका जो सूट है और इसके चाक हैं बनकर तैयार होंगे। देखिए इस तरह से फिनिशिंग आएगी, देख सकते हैं आप। ये फ्रेंड्स, ये जो चाक है मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, और उसमें देखिए ये जो मैंने ये जो पूरी स्लीट्स हैं रेडी कर लिए हैं। और इसके इस तरफ देखिए, इस तरह से आपको दिखाई देगा, एक ही स्टिचिंग आपको विजिबल होगी। और इसकी जो मजबूती है पूरी तरह से आती है, आप इसको कैसे भी पहनेंगे फ्रेंड्स, आपका ये जो सूट है कहीं भी नहीं जाएगा, बिल्कुल अच्छी तरह से सिलाई है जो इसको इसी तरह से बनी रहेगी इसकी सिलाई। और देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स।